दोस्तों, मेरे बहुत से स्टूडेंट से कहा था कि सर कभी आप मुझे अपने सेटअप के बारे में बताइए, मुझे अपना सेटअप दिखाइए कि जहां पर बैठ के आप कंप्यूटर्स की वीडियो बनाते हो। तो आज संडे का दिन था, सोचा क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना सेटअप दिखाऊं। तो दोस्तों, यहां पर ये एक रूम है और इसी रूम में मेरा सेटअप बंद है। इस रूम में ताला लगा हुआ है और जिसकी चाबी मेरे पास है। यहाँ पे मैं ताला खोलने जा रहा हूँ अपना सेटअप दिखाने के लिए। दोस्तों, वैसे मैं अपना कभी सेटअप दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों की डिमांड के कारण मैं अपना सेटअप दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा पूरा सेटअप। यहाँ पर बैठ के मैं अपनी कंप्यूटर की वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा रूम है, ये मैंने ग्रीन पर्दा लगा रखा है। ये मेरी पूरी गद्दी है, जिसको हम गद्दी ही बोलते हैं। जब हम यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बनेगी। दोस्तों, ये मेरा स्टैंड, यहाँ पे ये लाइट, ये लैपटॉप। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरा जो सेटअप है वो रेडी कर रखा है। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने इसको पावर हाउस का नाम दिया है। तो इस तरीके से मैं बैठ करके वीडियो बनाता हूँ। जो सेटअप अभी आपने देखा, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस सेटअप को प्रिपेयर करने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी और किन किन चीजों से मिलाकर मैंने अपना ये सेटअप प्रिपेयर करा है। दोस्तों, आज आप इस तरीके से देख के समझ रहे होंगे कि कील लगाना कितना कठिन होता है। आधे घंटे से मैं कील ही लगा रहा हूँ। फाइनली पर्दा लग चुका है। दोस्तों, कभी हमने अपने घर का बेड नहीं लगाया, लेकिन अपने इस सेटअप को तैयार करने में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ रहा है। फाइनली हमारा बेड रेडी हो चुका है, लेकिन दोस्तों मुझे एक टेबल की जरूरत है। अब मेरे पास टेबल तो है नहीं, तो एक देसी जुगाड़ के माध्यम से एक बड़ी सी टेबल बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं अपनी लैपटॉप और बुक्स रख सकूं। तो देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक बेड लिया है और मैं इन बेड के चारों तरफ में कुछ पीपे जो मेरे घर में वेस्ट पड़े हुए थे, इन पीपों को लगाऊंगा और उसके बाद मैं पूरा प्लाईवुड लगाऊंगा। फाइनली प्लाई सेट कर दी है, बहुत मशक्कत के बाद। थोड़ी सी भारी है, लेकिन अभी इसको सेट करना और बाकी रह गया है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मेरा पूरा सेटअप रेडी है। यहाँ पर दोस्तों, मैं 9th 10th कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ और 11th और 12th कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। साथ के साथ HTML, MySQL इन सब सब्जेक्ट पे भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो ये मेरी उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, यहाँ पर मैं अपनी बुक्स को रखता हूँ। और अब मैं यहाँ पर हार्डवेयर की बात करता हूँ कि अपनी वीडियोस बनाने में मैं कौन कौन से हार्डवेयर यूज करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप जो कि मैंने कई सालों पहले खरीदा था। उसके साथ मुझे माउस मिला था, तो लैपटॉप और माउस मेरा इस तरीके से यूज हो रहा है। और दोस्तों, एक छोटा सा मैं मोबाइल स्टैंड यूज करता हूँ, जिसमें यूट्यूब वीडियो बनाते टाइम मैं अपने मोबाइल को फिट करता हूँ। और ये भी गिफ्टेड है, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था। साथ के साथ मैं नॉर्मल माइक यूज करता हूँ, जो आप लोग मार्केट से सिंपली परचेज कर सकते हैं। ये माइक भी मुझे एक मेरे फ्रेंड ने ही गिफ्ट करा था। यानी कुल मिलाकर के मुझे जो भी सामान है, अभी तक मैंने इसमें एक भी रुपया नहीं लगाया। और सबसे ज्यादा मजेदार चीज मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है वीडियोस बनाते टाइम। मैं नॉर्मली अपना एक घरेलू बनाया हुआ स्टैंड यूज करता हूँ। दोस्तों, दीपावली पर ये जो स्टैंड है वो कबाड़े में बिक रहा था, मेरे घर वाले इसको कबाड़े में बेच रहे थे। अचानक मेरी निगाह पड़ी और मैंने इसको बेचने से रोक लिया। मैंने इस स्टैंड में, ये पंखे का स्टैंड है जिसमें नॉर्मली AC या DC के पंखे फिट होते थे जो बैटरी से चला करते थे,
मैंने ऊपर से पंखा हटा दिया और यहाँ पर अपना एक एलईडी बल्ब लगा दिया। इस तरीके से ये मेरा बहुत प्रॉपर बढ़िया तरीके से एक तरीके से लाइट का काम करता है। और दोस्तों साइड में मैंने यहाँ पर अपने रूम से दो जो ट्यूबलाइट हैं वो निकाल ली हैं और वो मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। और दोस्तों अगर मैं इनकी नेटवर्किंग की बात करूँ, इनकी वायरिंग की बात करूँ, तो मैंने इन सब के वायर का यहाँ पर एक पावर हाउस बना दिया है। यहाँ पर मैं इन सब की कनेक्टिविटी कर देता हूँ जिससे ये सारी चीज़ चल जाती है। तो कुल मिलाकर मैंने अभी यूट्यूब से एक रुपया भी नहीं कमाया है और अभी तक मैंने इसमें एक रुपया भी नहीं लगाया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि अप्रैल में क्लास 12 के टर्म 2 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हमने चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने की सोची है जिसमें हम आपको पूरे चैप्टर वाइज का रिवीजन कराएंगे। यानी पाइथन के एक चैप्टर को हम लेंगे और उसको बढ़िया तरीके से यहां पे डिस्क्राइब करेंगे, साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। क्लास 10 की बात करें तो हमने यही टेक्निक क्लास 10 के लिए सोची। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 का कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर उठाते हैं जिसमें हम लोग लैन वैन मैन पूरी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों यहां पर जैसे आप मेरे सिस्टम में देख पा रहे हैं, यहां आपके कई एक प्रकार के डायग्राम हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि एक यूट्यूबर अपनी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करने में कितनी मेहनत करता है। तो दोस्तों मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर बनूं और एक अच्छे लेवल का टीचर बनूं जो कि आप लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज दे सकूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। फाइनली मेरी सेटअप वाली वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई और इस सेटअप वाली वीडियो में सबसे ज़्यादा जो मदद करी वो मेरे पिताजी ने करी। दोस्तों मैं आज आपको अपने पापा जी से मिलवाता हूँ जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो शूट करी। तो ये पापा जी यहाँ पे छत पे चाय पी रहे हैं। पापा हमारे यूट्यूबर से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, ऊपर आए हैं, जरा सी ठंड लग रही है, ऊपर आके चाय पी रहे हैं, पापा जी पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। फाइनली ये वीडियो मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि मेरी इस टाइप की वीडियो आपको पसंद है या फिर एजुकेशनल वीडियो पसंद है। ओवरऑल दिया।